हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं टर्म्स यूज्ड इन कास्टिंग। देखिए काफी टर्म्स हैं अलग अलग, तो एक एक करके सबको समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जो वो पॉइंट है, मोल्डिंग फ्लास्क। इसके बारे में समझेंगे कि ये मोल्डिंग फ्लास्क क्या होता है। तो देखिए, हमने जब मोल्डिंग बनानी है, हमने जब कास्टिंग करनी है, तो इसमें सबसे बेसिक पार्ट जो हमारे पास होता है, सबसे स्टार्टिंग वाला, वो होता है मोल्डिंग फ्लास्क, जिसके अंदर सब मटेरियल हमने डालना है। तो वो आयरन का बना हुआ हमारे पास, तो अलग अलग मेटल्स का अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह मोल्डिंग फ्लास्क अलग अलग होते हैं। तो हमारे पास यहां पे देखो, तो ये जो बाहर वाला पार्ट होगा वो होगा मोल्डिंग फ्लास्क। तो मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर क्या होता है, मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर आप सैंड डालते हो, आप कास्टिंग के लिए कैविटी बनाते हो, ये सारा काम क्या है, मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर होता है। तो इसको मैं आपको बता दूं कि ये देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होता है। किस तरह से, अगर आप मोल्डिंग फ्लास्क दो यूज कर रहे हो, यहां पर दो मोल्डिंग फ्लास्क यूज कर रहे हो, तो उससे ऊपर वाले का नाम हम रखते हैं कोप और नीचे वाले का रखते हैं ड्रैग। अब दो यूज ही क्यों करने हैं, दो यूज इसलिए करने हैं कि आपके पास कोई ऐसी शेप है जहां पे हमें क्या करना है कि दो हिस्सों में हमें उसको बनाना है, दो हिस्सों में बनाना है, और उसका एक हाफ जो होगा ऊपर यहां पे होगा, कोई कास्टिंग तैयार करनी है, और एक हाफ यहां पे होगा, तो उसके कारण हमें दो यूज कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कोप, इसको ड्रैग। लेकिन यही अगर तीन पार्ट में हो हमारे पास, जब ये मोल्डिंग फ्लास्क तीन हो यहां पर, तो ऊपर वाले को हम कहेंगे कोप, सेम वैसा ही इसको ड्रैग, और इसको हम कहेंगे चीक, चीक। ओके, तो तीन हम यूज कर सकते हैं मोल्डिंग फ्लास्क। तो मोल्डिंग फ्लास्क की थोड़ी सी इंग्लिश में डेफिनेशन देख ले क्या है। मोल्डिंग फ्लास्क इज अ कंटेनर विच कीप द एंटायर कास्टिंग कंपोनेंट इनसाइड इट ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस। देयर इज अ डिवाइडिंग लाइन कॉल्ड पार्टिंग लाइन इन द फ्लास्क। तो हमारे पास यहां पे ये दो हमारे पर फ्लास्क है, तो इसमें ये बीच वाली जो लाइन होगी इसको हम कहेंगे पार्टिंग लाइन, पार्टिंग लाइन। ओके, पार्टिंग लाइन। और ये हमारा ऊपर वाला जो बॉक्स है, ऊपर वाला ये क्या कहलाएगा, कॉप, और नीचे वाला क्या कहलाएगा हमारे पास, ड्रैग। इजी। तो ये चीज हमारे पास होती है मोल्डिंग फ्लास्क। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास पैटर्न। तो पैटर्न क्या चीज है, पहले डेफिनेशन देख लें। पैटर्न इज अ रेप्लिका ऑफ द पार्ट टू बी कास्ट, आर यूज्ड टू प्रिपेयर द मोल्ड कैविटी। दीज आर मेड ऑफ आइदर वुड और मेटल। द पैटर्न इज ऑलवेज मेड समवट लार्जर देन द फाइनल ऑब्जेक्ट टू बी मेड। तो देखिए हमारे पास पैटर्न क्या होता है, पैटर्न वो है ही चीज हमारे पास। जैसी मान लो कि हमें कास्टिंग किसी चीज की बनानी है, अगर मान लो मैंने एक लोहे का बना हुआ एक पेन इस शेप का मुझे चाहिए, तो ये पहले मुझे बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, ताकि मैं क्या करूं, जब इस मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर मैं इसके अंदर सैंड डालूंगा, तो ये पैटर्न उसके अंदर कैविटी तैयार करेगा, ये पैटर्न कैविटी तैयार करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैटर्न। इट इज अ एग्जैक्ट रेप्लिका, ये तो हम शक्ल है या बहरूपिया है उसका, लेकिन ये हमेशा पैटर्न जो होता है वो हम एक्चुअल जो बनाना है, जो हमने कास्टिंग करनी है, उससे थोड़ा सा बड़ा ही बनाते हैं हमेशा। और पैटर्न ये वुड का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू नीड हम वैसे देख लेते हैं वुड का बनाना है या हमने मेटल का बनाना है। ठीक है, ये होता है हमारे पास पैटर्न। तो पैटर्न के अलग अलग टाइप्स है, मैं आपको अलग वीडियो इसकी बना के दूंगा कि पैटर्न कितने तरह का होता है, लेकिन सिर्फ हमें ये समझना कि अभी ये पैटर्न होता है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोल्ड। तो मोल्ड क्या कहते हैं, द मोल्ड इज द स्ट्रक्चर विच इज मेड विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। इट कंटेन्स कैविटी ऑफ साइज सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट बीइंग कास्ट। तो इसका क्या मतलब है, मोल्ड हम किसे कहेंगे, ये तो मोल्ड फ्लास्क का था, ये मोल्ड फ्लास्क था, लेकिन हम मोल्ड किसे कहेंगे, मोल्ड हम कहेंगे जब हम देखिए पैटर्न डालेंगे ना, पैटर्न हम डालेंगे, तो पैटर्न डालने से हमारे पास एक मोल्ड कैविटी तैयार हो जाएगी। तो ये जो मोल्ड, ये कैविटी तैयार होगी ना, इस कैविटी को हम क्या कहेंगे, मोल्ड। इसको हम क्या कहेंगे, मोल्ड। ठीक है, मोल्ड फ्लास्क,
लोहे का बना हुआ, लेकिन मोल्ड क्या है, ये इस तरह का है। अच्छा, इसमें मोल्ड में हमारे पास अलग अलग तरह का होता है। एक परमानेंट मोल्ड है। परमानेंट मोल्ड क्या है कि हमारे पास ये परमानेंट बना रखेंगे, शेप जो है परमानेंट है, इसको तोड़ना नहीं पड़ेगा। अभी हमारे पास ये जो हमने पढ़ा है कॉलेज टाइम में हम पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ इतना करते हैं कि हम मिट्टी लेते हैं, मिट्टी के अंदर हम जो पैटर्न डालते हैं, पैटर्न डालने के बाद, निकालने के बाद वहां मोल्ड कैविटी बन जाती है। उस मोल्ड कैविटी को क्या हम उसके अंदर क्या करेंगे, हम जो मोल्टन मेटल है, हम आयरन है मोल्टन, उसमें डाल देंगे, और जब वो ठंडा होगा तो वो कास्टिंग तैयार कर देंगे। हम उस मोल्ड को तोड़ देंगे, उसका जो मिट्टी है उसको तोड़ देंगे। लेकिन हम इस तरह से भी बना सकते हैं मोल्ड की वो वैसे का वैसे रहे। जैसे कि मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, ये हमारे पास देखिए आइसक्रीम आप बनाते हो, तो आइसक्रीम की जैसा भी आप वो बॉक्स लेके आओगे ना, वो मोल्ड है एक तरह से, वो जैसा भी आप बॉक्स लेके आओगे उसी शेप की आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। तो वो जो मोल्ड है वो परमानेंट मोल्ड है। इसी तरह ये क्या है, टेंपरेरी है। ये जब भी आपने बनाना है उसके बाद तोड़ देना है, ठीक है। तो परमानेंट होता है हमारे पास, टेम्परेरी होता है। तो दूसरा, ये हमारे पास दूसरा था पैटर्न, और तीसरा हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, मोल्ड। तीसरा हमने पढ़ा मोल्ड। तो ये तीन हो चुके हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड इट इज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग मोल्ड। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका, क्ले एंड वाटर इन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। देखिए, हम जो मोल्डिंग सैंड यूज करेंगे, इसके अंदर मोल्डिंग सैंड यूज करेंगे, वो सैंड क्या है, रिफ्रैक्टरी मटीरियल। रिफ्रैक्टरी मटीरियल का क्या मतलब है, जो क्या हीट को बर्दाश्त कर सके, गर्मी को बर्दाश्त कर सके। ये नहीं है कि हमने इस तरह से बना लिया कि लोहा जब आया इसके अंदर, मेल्टेड हम आयरन इसमें डालेंगे तो वो बहुत गर्म होगा, तो अगर ये सैंड उसको सहन नहीं कर पाएगा, वो खुद ही टूट जाएगा, वो खुद ही खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज करना है। तो हमारे पास तीसरा क्या है, मोल्डिंग सैंड, जो इसमें क्या होगा, सिलिका भी होगा, ठीक है, मोल्डिंग सैंड। तो ये बहुत अलग अलग तरह के हम यूज करते हैं, इसके अंदर बाइंडर्स यूज करते हैं, उसके लिए भी मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेंट। वेंट क्या है, वेंट हमारे पास देखिए, वेंट है हमारे पास, इसमें क्या होता है, एक चीज देखना, जब हम इसमें एक थोड़ा सा पहले बता दूं आपको, यहां से क्या है कि ये मोल्ड है, इसके अंदर हमने क्या करना है, मोल्टन आयरन डालना है। मोल्टन आयरन यहां से आएगा तो इसके अंदर बहुत बंद है, ये देखिए एक तरह से ये लगा लो कि इसके अंदर बहुत ज्यादा गैसेस, बहुत ज्यादा गर्मी है ना यहाँ पे, तो अगर ये बाहर ना निकली, ये गर्मी, ये गैस, ये यहां से बाहर ना निकली, तो ये मोल्ड को खराब कर सकती है। जैसे कि आप ये लगा लो कि दरवाजे आपके घर के बंद हैं और गर्मी के पूरे दिन चले और लाइट चली गई है, तो आप सोचो आपका क्या हाल होता है। आप तभी कहते हो जल्दी से, क्या कहते हो कि खिड़की दरवाजे खोल दो। खिड़की दरवाजे खोलने का मतलब क्या है कि वेंट्स बनाना, वहां से हमें जगह देनी ताकि वो एयर जो अंदर हमारे पास गैसेस हैं हमारे पास, ठीक है, हम सांस लें, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसको बाहर निकलने की जगह मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक पिन लेंगे, पिन इसके अंदर डाल देंगे। पिन से क्या होगा, पिन हम वो क्या करेगा, रास्ता देगा गैसेस को मूव करने का वहां से। तो वेंट्स हमारे पास इस तरह से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट है कोर। कोर इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग होलो कैविटी इन द कास्टिंग। तो अब देखिए कोर क्या होता है, कोर। अब एक चीज देखो कि मुझे हमेशा सॉलिड चीज तो नहीं बनानी होगी, कभी ना कहीं मान लो कि इस तरह से ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऐसा सॉलिड पीस था और इसके अंदर नहीं, नहीं कहता, यहां पे होल चाहिए मुझे और थ्रू आउट होल चाहिए। अब हमें दिक्कत आ गई, हम कहेंगे यार अच्छा ये कैसे बनाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोर का यूज करना पड़ेगा। कोर क्या चीज है, हम इस मोल्ड के अंदर यहां पे इसको रख देंगे, इसके अंदर जब रखेंगे ये मोल्ड, ये हमने कोर रख दिया मोल्ड के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये सॉलिड पीस है, सॉलिड पीस है तो इसके ऊपर तो आएगा नहीं, हमारे पास मोल्टन मेटल तो आएगा नहीं, तो वो जगह खाली रह जाएगी, वो जगह खाली रह जाएगी और उस जगह में होल बन जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम कोर, कोर, ठीक है, सी ओ आर ई, कोर। नेक्स्ट हमारे पास चैपलेट्स, चैपलेट्स, चैपलेट्स। ये चैपलेट्स क्या है, तो चैपलेट्स देखते हैं। चैपलेट्स आर यूज्ड टू सपोर्ट
cores inside the mold cavity to take care weight of core and overcome the buoyancy from molten metal. अब देखिए हमारे पास चेपलेट क्या है, हमने कोर बन यूज किया, ये कोर यूज किया. अब लेकिन दिक्कत क्या है, जब ये स्टैंड कैसे करेगा, रुकेगा कैसे? अगर हम सीधा ऐसे रख देंगे, ये तो खाली जगह है, अगर हम सीधा रख देंगे तो वो मूव करेगा इधर उधर, गिरेगा. या जब ऊपर से मोल्टन मेटल इधर आएगा तो इसको बायोसी फोर्स लगाएगा, हिलाने की कोशिश करेगा. तो उसको रोकने के लिए हमने स्पोर्ट दे दी. स्पोर्ट जो देनी है उसको हम क्या कहेंगे, चैपलेट्स. ठीक है, चैपलेट्स. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास गेटिंग सिस्टम. गेटिंग सिस्टम, गेटिंग रखनी पड़ती है पूरी मेरे भाई, गेटिंग सिस्टम है. गेटिंग सिस्टम में क्या कुछ है उसका सुन लो. तो हमारे पास ये एरिया जो है, ये एरिया क्या करा हमने, ये जगह रख ली जिसके अंदर हम मोल्टन मेटल डालेंगे, वो यहां से जाएगा और यहां से जाने के बाद यहां पे मोल्ड में आ जाएगा. ओके, यहां पे आ जाएगा और यहां पे आने के बाद यहां से आएगा, फिल करेगा. और अगर मुझे क्या हुआ कि इसी को समझना है आपने, तो गेटिंग सिस्टम क्या, गेटिंग सिस्टम में सब कुछ आ जाता है. किस तरह से, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहां पे ये सब कुछ गेटिंग सिस्टम में आता है. तो एक एक करके मैं इसके पार्ट समझाऊंगा गेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है. पहला तो होता है यहां पे, ये सबसे पहला पॉइंट है पोरिंग बेसन. पोरिंग बेसिन, तो ये हमारे पास होता है पोरिंग बेसिन. ओके, और पोरिंग बेसिन में क्या होगा कि यहां से आप इसके अंदर डालोगे. ठीक है, क्या है, मोल्टन मेटल यहां पे डालोगे. हम ये नहीं कर सकते ना कि सीधा ऊपर से फेंक दिया, जाके वो तो था, इसको तोड़ देगा. तो ऐसा नहीं कर सकते, हम इसमें डालेंगे, वो धीरे धीरे फ्लो करेगा यहां से. और ये जो यहां से फ्लो करेगा इसको हम कहेंगे स्प्रू. स्प्रू, तो पहला इसमें पार्ट जो आ जाता है गेटिंग सिस्टम में, साथ इसी पॉइंट में लिख लेना आप. नाइन्थ है हमारे पास पहले पोरिंग बेसिन. पोरिंग बेसिन, और नेक्स्ट है हमारे पास, टेंथ है हमारे पास स्प्रू. तो स्प्रू, इसकी छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं कि पोरिंग बेसिन क्या है और स्प्रू क्या है. तो पोरिंग बेसिन हमारे पास है, पोरिंग बेसिन इज द स्मॉल फनल शेप्ड कैविटी एट द टॉप ऑफ मोल्ड इनटू व्हिच द मोल्टन मेटल इज पोर्ड. तो हम उसमें ये वाली चीज में डाल रहे हैं, मोल्टन मेटल डाल रहे हैं, तो ये पोरिंग बेसिन कहलाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रू. तो स्प्रू की डेफिनेशन देख लें, स्प्रू इट इज द पैसेज थ्रू विच द मोल्टन मेटल फ्रॉम द पोरिंग बेसिन रीचेस द मोल्ड कैविटी. इट इज द वर्टिकल चैनल विच कनेक्ट्स द पोरिंग बेसिन टू द रनर. तो हमारे पास क्या है, ये नीचे लेके जाने के लिए, मोल्टन मेटल को नीचे लेके जाने के लिए है. और ये आगे कैसे लेके जाएगा, ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहेंगे रनर. रनर, और इस रनर से मोल्टन मेटल आगे बढ़ेगा. ठीक है, तो रनर है जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या कवर करने के लिए, तो इसको हम कहेंगे रनर. और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये क्या है, ये है राइजर. राइजर, तो राइजर क्या है, राइजर देख लें. अब मेरे भाई होता क्या है कि जब आप ये इसमें डालोगे, ठीक है, मोल्टन मेटल, तो ये आगे जाएगा यहां पर. और अगर इसको थोड़ी बहुत कमी रहेगी कि हमें ये मोल्टन मेटल क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा धीरे धीरे, ये ठंडा होगा. ठंडा होने से क्या होगा कि ये श्रिंक कर सकता है. तो अगर वो श्रिंकेज ज्यादा होती है और हमें एक्स्ट्रा मेटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये राइजर में आगे चला जाएगा. देखिए राइजर में ऊपर बढ़ जाएगा अगर एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल आया, और जब मुझे चाहिए यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, तो राइजर से फिर वापिस आ जाएगा. तो राइजर एक तरह से हमारा बैंक है. तो बैंक है वो, वहां से देखो राइजर से ऊपर यहां स्टोर हो जाएगा, जब भी चाहिए तो नीचे आ सकता है. तो राइजर हमारे पास एक तरह का बैंक बन गया, वहां पे हम रख रहे हैं मोल्टन मेटल को, और फिर से वो वापस नीचे आ सकता है, यहां से वापस आ सकता है. तो राइजर क्या है, तो राइजर इट इज अ रिजर्वायर ऑफ हॉट मोल्टन मेटल यूज्ड टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ हॉट मेटल बैक इन टू मोल्ड कैविटी व्हेन देयर इज अ रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन. तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास, मेरे पास राइजर. लास्ट है हमारे पास चिल. चिल, अब ये वर्ड ही ऐसा है कि जिससे हमें पता लग सकता है चिल. तो वो इन गाने में कहते हैं जस्ट चिल चिल. तो चिल क्या है, ठंडा होना, ठंडा रहो, है ना, जस्ट चिल बेबी. तो ठंडे रहो,
तो ये चिल क्या है? ठंडा रखने के लिए है। तो ये क्या है? एक मेरे पास मेटल पार्ट है जो क्या है इसके टच में आएगा, ताकि हम क्या करें, इस जब ठंडा करना है तो जल्दी ठंडा हो, इसकी सॉलिडिफिकेशन जल्दी हो, ये जल्दी ठंडा हो, क्योंकि मोल्टन मेटल है उसको ठंडा करना है। तो जो यूज करते हैं उस ठंडा करने के लिए उसको हम कहेंगे चिल। तो चिल क्या है? चिल इज ए मेटेलिक स्ट्रक्चर यूज टू कंडक्ट अवे द हीट फ्रॉम द कास्टिंग ड्यूरिंग इट्स सॉलिडिफिकेशन। तो ये थे हमारे पास कुछ टर्म्स जो क्या है कास्टिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप में जहां भी जाएंगे, आप एसएससी जेई में तैयारी कर रहे हैं, आप अपने स्टेट लेवल जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा टर्म्स यूज होंगे। तो आई होप कि आपको समझ आएगा। अगर समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये चीज समझ आई है या नहीं आई है। मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू so much।